फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे। तो आप अपने मन में जल्दी से अपने पर्सन का नाम सोच लीजिए और बहुत ही पॉजिटिव रह करके ईश्वर से देख प्रार्थना कीजिए कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको पता चले। देखते हैं आपके पर्सन के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला ही मैसेज जो आपके पर्सन के 5D में आपको उनकी हायर सोल जो दे रही है, यू फील लाइक होम। आपको आपके पर्सन जो है ना बहुत इतना कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स, जो भी आप सोचते हैं उनके बारे में या जो भी आप उन्हें लव सेंड करते हैं वो सभी उन तक पहुँच रही है। उससे क्या हो रहा है कि वो एक उस तरीके की फीलिंग में आ रहे हैं कि जिस तरीके से फील लाइक होम है ना, वो फीलिंग उनको आ रही है। योर DM सोल हैज़ अवेकन एंड इज़ रीचिंग इमोशनल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो आपके पर्सन की सोल यहाँ पे अवेकन हो रही है। ओके, उनकी अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, आपके पर्सन की अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके मन में ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अवेकन हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो यस, डेफिनेटली उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई एम सर्विंग टाइज विद कार्मिक पार्टनर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पर्सन किसी कार्मिक पर्सन के साथ हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो वो अपने कर्म रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें ब्लेम ना करें और उन पर आप डाउट भी ना करें, क्योंकि जो उनके कर्माज हैं वो तो उन्हें रिलीज करने ही होंगे, और जब वो कर्म रिलीज करेंगे तब यहाँ पे आपके साथ वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो आप पेशेंस रखिए, आपको ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन। और उसके बाद, आई एम एंग्री विद माई सेल्फ फॉर डूइंग वॉट आई डिड इन पास्ट, ठीक है। देखिए आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है और इस चीज़ के लिए उन्हें काफ़ी गुस्सा भी आता है कई बार कि उन्होंने आपके जैसे पर्सन के साथ इस तरीके का बिहेव किया, आपके साथ मूव ऑन किया या आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला, आपको ब्लॉक भी किया हो ऐसा भी, या फिर बिना कुछ कहे सडनली उन्होंने मूव ऑन किया हो, ठीक है, कोई कॉन्टेक्ट आपसे करना बंद किया हो अचानक से इस तरीके की, ऐसा जो भी उन्होंने किया आपके साथ उस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। और उसके बाद, आई वॉन्ट कमिटमेंट विद यू जस्ट नॉट येट। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपके पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ यहाँ पे लॉन्ग लाइफ चाहते हैं, बट वो कहना चाहते हैं कि नॉट जस्ट नॉट येट, ठीक है, क्योंकि वो पहला यहाँ पे स्टार्टिंग में मैसेज आया है कि वो अपने कर्माज रिलीज करें। तो यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि इस वक्त वो उस सिचुएशन में नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे सके, ठीक है। आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए कहना चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रियूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन वो कहना चाहते हैं कि इस वक्त नहीं। अर्थ एंजल, यू आर लाइट वर्कर हु हैज़ कम टू अर्थ टू टीच अबाउट लव। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको अर्थ एंजल समझते हैं जो यहाँ पे लव स्प्रेड करने के लिए आई है, क्योंकि उन्हें जो अनकंडीशनल लव, जो ट्रू लव यहाँ पे आपसे मिला है वो कहीं और नहीं मिला है, ये बात उन्हें समझ में आ चुकी है। आई वॉन्ट हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशन विद यू। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं फिर से। अगर आप यहाँ पे बहुत लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट में है, कोई कनेक्शन आपका इस वक्त जो है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई कनेक्शन नहीं है आप दोनों के बीच में, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको कॉल या मैसेज किसी ना किसी थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू यहाँ पे आपसे कांटेक्ट करेंगे, मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है। और उसके बाद, डिसीजन, इट्स टाइम टू डिसाइड फॉर दिस रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पे हालांकि वो रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए फिलहाल, क्योंकि वो कर्मा रिलीज कर रहे हैं, लेकिन वो डेफिनेटली अब ये डिसाइड कर चुके हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। वो यहाँ पे इस रिलेशनशिप को आगे ज़रूर बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए वो एक प्री प्लान वो पूरा प्लान करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में फिर से कोई यहाँ पे अप एंड डाउन नहीं आए या कोई कार्मिक या थर्ड पार्टी नहीं आए, ठीक है। वो इस चीज़ के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं, कोई ना कोई प्लान उनके मन में चल रहा है। एनर्जेटिकली DM आर बींग मेड रेडी टू रिसीव यूनियन। देखिए कितना पॉजिटिव मैसेज आया है। हालांकि 3D में उनकी सिचुएशन इस वक्त ऐसी नहीं है, आपके पर्सन ये खुद आपसे कह रहे हैं मैसेजेस के थ्रू, लेकिन
5D में यहाँ पे आप एनर्जेटिकली जो है पूरी तरीके से रीयूनाइट हो चुके हैं, या आपका 5D यूनियन यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि सोल मर्जिंग का प्रोसेस यहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो कुछ व्यूअर्स का यहाँ पे अगर आप शिव शक्ति की जर्नी में है तो सोल मर्जिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हो सकता है आप अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने पर्सन के मैसेजेस इंटेटिवली रिसीव कर रहे हो, टेलीपैथिकली आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पा रहे हो, या अभी नहीं है तो बहुत जल्दी आप इस एनर्जी में आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पर्सन भी यहाँ पे उनकी सोल जो है, हायर सोल जो है 5D में आप यहाँ पे रीयूनियन के लिए रेडी हो रहे हैं। आपके पर्सन यहाँ पे एनर्जेटिकली यहाँ पे रेडी हो रहे हैं यूनियन के लिए 3D, और जब एनर्जेटिकली रेडी होते हैं तो 3D में यूनियन निश्चित तौर पर होना ही है। यू मेड मी बिलीव इन लव अगेन। देखिए यहाँ पे जब आपको अर्थ एंजल समझते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपने उनको ट्रू लव की जो एक परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो आपने उन्हें बताई है। ठीक है, ट्रू लव क्या होता है वो शायद भूल ही चुके थे, क्योंकि हो सकता है उनके चाइल्डहुड वुंड्स ऐसे हों, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई हो कि उन्होंने कभी ट्रू लव फील ही नहीं किया। वो ट्रू लव यहाँ पे आपने फील करवाया है उन्हें। आई रिग्रेट द डिसीजन ऑफ लीविंग यू, इट हर्ट्स मी, आई हैव क्रेव्ड फॉर यू मोर देन एनीथिंग, है ना। आपके पर्सन को डेफिनेटली यहाँ पे रिग्रेट है, आपको ये रिग्रेट वाली जो एनर्जी है सेकेंड टाइम आई है, खुद से नाराज भी हैं आपके साथ जो बिहेव किया, और यहाँ पे उन्हें आपको छोड़कर जाने का, ठीक है, आपको एक बहुत ही ऐसे सिचुएशन में डाल के आपके पर्सन गए जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। आपको इस तरीके का पेन उन्होंने दिया, उस पेन के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और वो आपके लिए कंटिन्यूसली क्रेव करते हैं, आपकी फीलिंग के लिए, आपके टच के लिए, आपके लव के लिए। वी बोथ हैव वुंड्स वी नीड टू हील। तो डेफिनेटली आप दोनों को ही, जब यहाँ पे आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो यहाँ पे आपकी पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों में बहुत कुछ ऐसे वुंड्स हैं डेफिनेटली जो हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे पर्सन आपको देखिए यहाँ पे अगेन रिग्रेट की एनर्जी 100% है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके पर्सन यहाँ पे आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए सॉन्ग आया है अगेन यहाँ पे, आपकी आँखें बहुत पसंद है, आपको तो पता ही होगा, आपसे उन्होंने कहा भी होगा कि उनकी आपकी आँखें उन्हें बहुत पसंद है, तो ये सॉन्ग आप ज़रूर सुनिएगा। अगेन आया है आँखों में तेरी अजब सी अदाएँ हैं, और साथ में आपको आई लव यू भी कह रहे हैं, सॉरी भी कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, तो मुझे ये होपोनोपोनो प्रेयर फील हो रही है। तो हो सकता है डिवाइन ने उन्हें इस प्रेयर के थ्रू यहाँ पे गाइड किया हो आप सिर्फ माफ़ी मांगने का। ओके, मुझे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन जो है माफ़ी मांग रहे हैं, तो कुछ ऐसी गाइडेंस मिली है उन्हें वीडियोस के थ्रू, यूनिवर्स ने उन्हें गाइड किया है, शायद आपसे माफ़ी भी मांग रहे हों। ओके, यहाँ पे और आपको भी उनकी एनर्जी इस तरीके की फील हो रही हो, थोड़ी इमोशनल वाली एनर्जी, या आपको कभी कभी ऐसा भी फील हो रहा हो कि रोना आ रहा हो इस तरीके का, तो यहाँ पे आपकी ये एनर्जीज आपके पर्सन की है। और देखिए टू बॉडीज वन सोल, तो डेफिनेटली ये आपके पर्सन को यहाँ पे रियलाइज़ कराया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि ये कनेक्शन नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। ये कोई इस तरीके का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है, और यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी है, इस तरीके की भी यहाँ पे उन्हें चीज़ें समझाई जा रही हैं किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ईश्वर को आखिरी उम्मीद नहीं पहला भरोसा बना है ये, तो यहाँ पे आपके पर्सन डेफिनेटली यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहले वो यूनिवर्स से कनेक्ट थे, डिवाइन से स्पिरिचुअल थे, लेकिन इस तरीके के नहीं थे, इस जर्नी के अकॉर्डिंग जो स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है उस तरीके के नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पे वो इस यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, और यही रीज़न है कि उन्हें साइंस दिए जा रहे हैं, उन्हें जर्नी समझाई जा रही है। और देखिए डू बजरंग बाण फॉर प्रोटेक्शन, यहाँ पे प्रोटेक्शन का मैसेज आया है, तो यहाँ पे आप अपनी जर्नी को, अपने आप को, अपने काउंटर पार्ट को, अपने कनेक्शन को, अपने आने वाले रीयूनियन को प्रोटेक्शन ज़रूर दें। बजरंग बाण जितना हो सके बजरंग बाण सुने, अगर आप बैठ के बुक से पढ़ सकते हैं तो वो भी बेस्ट होगा, और नहीं कर पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो के थ्रू सुन सकते हैं, ठीक है। इंटेंशन सेट करके कि आप किस चीज़ को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। एक लास्ट मैसेज और देखते हैं, और देखिए लास्ट मैसेज का नाम लिया है, तो ये दुर्गा कवच भी आया है प्रोटेक्शन के लिए, तो प्रोटेक्शन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे, प्लीज़ आप प्रोटेक्शन दीजिए दुर्गा कवच और बजरंग बाण के द्वारा। मैंने कल ही कम्युनिटी में अगेन डाला है दुर्गा कवच और बजरंग बाण का बीज मंत्र जो है, ओम दुर्गे दुर्गे रक्षिणी ठ ठ स्वाहा,
ठीक है, ये आप बजरंग बाण की तीन चौपाई और दुर्गा कवच का बीज मंत्र ये कंटिन्यूएशन में करते हुए एक माला जरूर करें, आप इसका चैंट जरूर करें, ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट मैसेज देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना आपके कनेक्शन में, आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, वो यही रीज़न है कि यहाँ पे नेगेटिविटी अब जो है आपको फिर से लो वाइब्रेशंस में लेके जाने की कोशिश करेगी। और जब आप लो वाइब्रेशंस में जाते हैं तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे आप फिर से रीयूनियन को डिले कर देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, अगेन फिर से लो वाइब्रेशंस में किसी भी कीमत पर आपको नहीं जाने देना है अपने आप को। जितना हो सके, जिस तरीके से हो सके, इस वक्त आपको अपनी हाई वाइब्रेशंस को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और प्रोटेक्शन प्लीज़ ज़रूर लीजिएगा, प्रोटेक्शन लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप ऑलरेडी जिस भी तरीके से ले रहे हैं वो भी कंटिन्यू कीजिए, और उसके साथ बजरंग बाण दुर्गा कवच आप प्लीज़ ज़रूर कीजिए, या फिर अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग भी आप प्रोटेक्शन ज़रूर लीजिए, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके पर्सन के मैसेजेस, 5D मैसेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता ली, राधे राधे।